वाले बैठे हैं उनको उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और उनको हटाए जाने के संबंध में हमारे ईओ महोदय को एक लेटर आया था उप जिलाधिकारी महोदय के यहां से, जिसमें जब मेरी को उसकी जानकारी मिली तो ये देखिए मैंने एक पत्र अपने ईओ महोदय को लिखा था और उसमें मैंने साफ साफ ये कहा था कि चूंकि वो जमीन का स्वामित्व जो है कि नगर पालिका परिषद का नहीं है, इसलिए उसको नगर पालिका परिषद वो अतिक्रमण को हटाने में अपनी भूमिका नहीं निभाएगी। उस पत्र का ही हवाला खोलते हुए हमारी ईओ महोदय ने जो है कि उप जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने बता दिया कि भाई नगर जो हमारी नगर पालिका बोर्ड है उसकी अनुमति के बिना, नगर पालिका की बोर्ड की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का सहयोग हम किसी अन्य विभाग को अतिक्रमण हटाने या किसी अन्य कार्य में नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। उस लेटर को, वो लेटर उप जिलाधिकारी महोदय के लिए था, लेकिन आज वो लेटर जो है कि जनता के हाथ में है, जिससे आप ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उप जिलाधिकारी महोदय सरकार के लिए काम कर रही है या किसी जनता के प्रतिनिधि के लिए काम कर रही है, क्योंकि उनके यहां का लेटर अगर जनता के हाथ में पहुंच रहा है तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उन्होंने उस लेटर को बंटवाने के बाद, जनता के बाद लोगों को भ्रमित किया कि इसमें जो बात लिखी है उसमें भ्रमित किया कि ये नगर पालिका की अनुमति के बाद ही इसको हटाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। उसका इंटरप्रिटेशन उप जिलाधिकारी महोदय ने गलत किया और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मैं ये कहना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी मनसा बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि नगर पालिका बोर्ड ये चाहती है कि शहर सितारगंज के अंदर किसी भी व्यापारी को अब ना हटाया जाए। जितना इन्होंने उजाड़ दिया, जितने लोगों को उजाड़ दिया, पहले उनको पुनर्वास करने का, पहले उनको बसाए जाने का की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ सोचा जाए। और उप जिलाधिकारी महोदय जो हमारे यहां बैठी है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो कागज, जो पत्र आपके यहां से अगर लीक हो रहे हैं तो आप इसकी भी जांच कराइए कि आपके यहां से जो कागज आपके लिए दिए जा रहे हैं किसी विभागों के, वो जनता के हाथों में अगर आ रहे हैं तो इसमें क्या पारदर्शिता है, किसके दबाव में वो काम कर रहे हैं, इस बात को भी वो साफ करें।